Hello student, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel, The Questions Hub. Today, we are going to discuss an important branch of mathematics called trigonometry. Okay? In this chapter, we will discuss about trigonometric ratio. Trigonometric ratio. है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज़ ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल है ना. तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स एंड हुज साइड्स एंड एंगल्स आर गिवेन, फ्यू साइड्स आर गिवेन, फ्यू एंगल्स आर गिवेन है ना. मतलब कुछ साइड्स दिए रहेंगे, कुछ एंगल्स दिए रहेंगे, उसका रिमेनिंग साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल्स निकालना होगा ना. तो उससे पहले हम लोग एंगल देखेंगे कि एंगल होता क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज एन एंगल. सी वी हैव अ कंसीडर अ रे. सी वी हैव अ रे ओ ए. मान के चलो कि ये रिवॉल्व कर रहा है इस पॉइंट से, तो एक रे है ओ ए, उसको हम मूव कराते हैं ओ बी तक. कहाँ तक? ओ बी तक. तो इन दोनों के बीच में जो मेजरमेंट आएगा वो एंगल कहलाएगा है ना, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं. हेयर ओ ए इज नोन एज इनिशियल साइड and OB is known as terminal side and this point is known as vertex of the angle. See, this is very important concept because we will draw here a perpendicular. We will take a point on OB that is P and we will draw a perpendicular from P to OA which will make a triangle OMP, a right triangle OMP. OMP एक right triangle बनता है, ठीक है ना. अब इसमें देखोगे कि ratio का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. यहाँ पे OM हमारा क्या कहलाएगा? Base कहलाएगा. PM क्या कहलाएगा? Perpendicular. ओ पी हमारा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस. मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस. नाउ हेयर वी हैव सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. वी हैव सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. फर्स्ट वन इज साइन थीटा. वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस एंगल दैट इज थीटा. दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज पी एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज ओ पी. सेकेंड इज कॉस theta. This can be written as base by hypotenuse and base is our OM and OP. Third one is tan theta. Tan theta is perpendicular by base. Hana? This can be written as PM divided by base is OM. Fourth one is cosec theta that is hypotenuse by perpendicular. Hypotenuse is OP and perpendicular is PM. Fifth is sec theta. This can be written as hypotenuse by base. This is OP divided by base is
ओ एम, एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा. दिस इज रिटन एज बेस बाय परपेंडिकुलर. आवर बेस इज ओ एम एंड परपेंडिकुलर इज पी एम. सो दिस कैन बी रीड एज साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना. बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या साइन और थीटा आपस में प्रोडक्ट में है, तो नो, दे आर नॉट इन द प्रोडक्ट. ये बतला रहा है कि एक साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है किस एंगल का, है ना, पर्टिकुलर एंगल वहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, मतलब कि एक्यूट एंगल, ठीक है ना. और एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अ इम्पॉर्टेंट नोट. सी वी हैव अ नोट, नोट दैट हेयर साइन एंड थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट नहीं है. उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर मान के चलो कि हमारा एंगल चेंज कर दिया जाता है, अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना. ध्यान से इस पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है. वी हैव अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल डैट बी, है ना, ए बी सी, मतलब एंगल बी हमारा कितना है, 90 डिग्री है. अब यहाँ पे थीटा जो हम ये लेते हैं, मतलब कि एंगल सी को अगर हम थीटा मानते हैं, एंगल सी इज़ थीटा, ओके. सी दिस एंगल विल बी आवर एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होगा. अगर हमको सी के रेफरेंस में हमको रेशियो लिखना होगा, तो साइन सी बराबर हो जाएगा, बेस हमारा बी सी, सॉरी, परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा ए सी हो जाएगा. अगर सी के फॉर्म में अगर लिखना होगा कॉस सी, तो कॉस हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, आवर बेस इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. नाउ इफ आई विल आस्क, सी, अगर हम एंगल ए को मान लेते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना, एंगल ए को हम क्या मान लिए, थीटा, और एंगल ए के रेफरेंस में हमको रेशियो निकालना है, तो अगर हमको साइन ए निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, बेस हमारा ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो जाएगा, तो बी सी बाय हाइपोटेनस दैट इज ए सी, ठीक है ना. देखो वैल्यू बदल गया कि नहीं, साइन ए और साइन सी दोनों में फ़र्क हो गया, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है हमारा रेशियो, है ना. अगर हमको कॉस ए निकालना होगा, है ना, तो कॉस ए मतलब ए के रेफरेंस में, मतलब एंगल ए के रेफरेंस में बेस हमारा ए बी हो गया, आपको टेनस ए सी, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एंगल के रेफरेंस में हमारा वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. नाउ वी विल सी द रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस. वी आर गोइंग टू सी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या रिलेशन है. तो एक कंसीडर हम करते हैं पहले एक ट्राइंगल, और कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल एट बी, तो हमको अगर लिखना होगा साइन सी दिस वन, है ना, साइन सी ना लिख के साइन थीटा लिखते हैं इसको, क्योंकि एंगल सी का मान क्या है, थीटा है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, हाइपोटेनस हमारा ए सी है. उसी तरह हमको अगर कॉस थीटा लिखना होगा, तो बेस हमारा बी सी, हाइपोटेनस ए सी है, तो बी सी बाय
एसी होगा। अगर टैन थीटा हमको लिखना है तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय इज ए बी एंड बेस इज बी सी। तो एक चीज़ देखोगे, अगर हम इस रेशियो में टैन का रेशियो में अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर ए सी से हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें, न्यूमरेटर पार्ट में ए बी डिवाइडेड बाय ए सी कर दें और डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर दें, ए सी से डिवाइड कर दें, तब देखोगे कि ए बी बाय ए सी, यहाँ पे देखोगे कि ए बी बाय ए सी जो हमारा है वो क्या है, साइन थीटा के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इसको। बी सी बाय ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। नाउ देयरफॉर टैन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये एक रिलेशन हुआ है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हो जाए, या आपका हाइट एंड डिस्टेंस है कंसेप्ट है ना, उन सब में टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रिलेशन यूज होगा है ना। कुछ रेसिप्रोकल्स हम लोग देखते हैं, ये तो पहला हमारा रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन देखते हैं, अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो वन के बराबर होता है, कैसे, तो देख सकते हो, इसको प्रूफ किया जा सकता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ए बी बाई ए सी एंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनस डेट इज ए सी एंड परपेंडिकुलर डेट इज ए बी, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू वन आएगा है ना। तो ये इस तरह से हम रिलेशन इसमें बना सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वन बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ये एक रिलेशन हुआ। तीसरा अगर देखते हैं हम, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है ना। तो यहाँ से हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक थीटा, एंड सेक थीटा कैन बी रिटन एज वन बाई कॉस थीटा। नाउ वी कैन राइट अनदर कंसेप्ट, अनदर रिलेशन, दैट इज इफ कॉट थीटा इज मल्टीप्लाइड विथ टैन थीटा इट गिव्स वन है ना। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टैन थीटा, और टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉट थीटा, ओके। एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट एक फिफ्थ वन, दैट कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि टैन थीटा जो है, कॉट थीटा जो है वन बाई टैन थीटा होता है, और टैन थीटा का वैल्यू है साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस का रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, इसलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे वी हैड गॉट द रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट्स, मतलब कि बच्चे लोग जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास टेंथ के, बहुत वीक हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट को वो नहीं पढ़ पाते हैं ना, नहीं पढ़ते, नहीं समझने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा इसको कुछ नहीं है, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं, आप पॉज करके वीडियो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीन रेशियोज़ को याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमारा क्या है, साइन है, दूसरा हमारा क्या है, कॉस है, और तीसरा क्या है, टैन है। ये तीन रेशियोज़ को अगर, तीन रेशियोज़ का अगर वैल्यू आपको मालूम होगा कि ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, ये बेस बाय हाइपोटेनस, या ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, अगर इतना आपको याद रहेगा तो आप सारा रिलेशन, सारा फॉर्मूला आपको याद रहेगा। जैसे देखो, इसको हम लोग याद करते थे अपने क्लास में, जब हम लोग टेंथ में थे, तो पंडित बेटा पंडित हरे हरे बोल है ना, पंडित का बेटा पंडित
हरे हरे बोलता है, ठीक है ना, इस तरह हम लोग याद करते थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, है ना, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ट्रायंगल एबीसी, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, द वैल्यू ऑफ ए बी, से वी हैव अ ट्रायंगल थ्री फोर एंड फाइव, वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि राइट एंगल बी पे है, ए बी का वैल्यू कितना है, फोर है, है ना, बी सी का वैल्यू कितना है, थ्री है, एंड ए सी का वैल्यू कितना है, फाइव. तब हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू निकालना है ना. तो पहला हमारा होता है साइन थीटा, है ना, सी यहाँ पे थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज, सॉरी, हाइपोटेनस इज ए सी, सो इट बिकम्स 4/5. सेकेंड इज वी कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस इज बी सी, हाइपोटेनस इज ए सी, बी सी इज 3, हाइपोटेनस इज 5. नाउ वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी आर नोइंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वरियर, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 4/5 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 3/5. 5/5 इज कैंसिल, 4/3, है ना. तो हम लोग देख सकते हैं 4/3, 4 इज परपेंडिकुलर एंड 3 इज बेस. सी द रिलेशन इज हियर. नाउ फोर्थ वन, दैट इज कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा का हम रिलेशन देखे हैं 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा का वैल्यू कितना है, 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो गया. फिफ्थ वन, दैट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 1/cos थीटा का वैल्यू कितना आया, 3/5, 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे हो गया. सिक्स वन, दैट इज cot थीटा, cot थीटा इज कैन बी रिटन एज 1/tan थीटा एंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 4/3, 1/4/3, 3 गोज अप एंड 4 इज हियर. सो वी गॉट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री, द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, इफ cos थीटा इज इक्वल टू, या cos b लिख लेते हैं, cos b इज इक्वल टू 1/3. इफ cos b इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, TR, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ए बी सी. तो ए बी सी तो नहीं होगा, यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया और ये 90 हो गया, ठीक है. अब 1/3, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस. द वैल्यू ऑफ बेस इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इज 3, सो वी कैन राइट बी सी इज इक्वल टू 1 एंड ए बी इज इक्वल टू 3. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस, दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ बी सी इज 1, तो 1 के स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज 9-1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयर फोर द वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर 8, है ना. तो रूट ओवर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2,
क्या लिख सकते हैं, 2√2। देयर फोर एक तो हमारा दिया हुआ है कॉस थीटा 1/3, अदर 5 हमको निकालना है। तो पहला हम लिखते हैं साइन बी, क्या लिखेंगे साइन बी। तो साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए सी एंड हाइपोटेनस इज ए बी। सो द वैल्यू ऑफ ए सी इज 2√2 एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज 3। सेकेंड इज टैन थीटा, वी कैन फाइंड आउट टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए सी एंड बेस इज बी सी। सो दिस विल बी टू रूट टू बाई वन है ना। तीसरा हम निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन बी, ये बी होगा ठीक है। कॉसेक बी इज इक्वल टू 3/2√2, आई नो नीड टू रेशनलाइज इट। ओके नाउ द फोर्थ वन इज सेक थीटा, दिस कैन बी रिटन एज 3/1 एंड द लास्ट वन इज दैट इज कॉट थीटा एंड कॉट थीटा कैन थीटा नो बी बी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वी एंगल बोल रहे हैं ना इसीलिए बी ले रहे हैं। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा टैन का है ना, तो टैन का क्या हो जाएगा 1/2√2। दिस ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, मतलब कि सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा, यू हैव टू फाइंड ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना। वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी वी हैव थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ कॉसेक ए इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan A प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1+cos A। अब इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं निकालना है, अब हमको क्या करना है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है उसका वैल्यू, और वैल्यू निकालना है 1/tan प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1+cos A का है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस कॉसेक ए इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं, एंड कॉसेक जो होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है ना। सो वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसमें ए ये होगा है ना, मान के चलो यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनस का वैल्यू 2 है ना, और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी विद द रिलेशन दैट इज बी ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। सो बी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी, द वैल्यू ऑफ ए सी इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 4-1 दैट इज √3, द वैल्यू ऑफ बी ए इज √3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन ए, द वैल्यू ऑफ टैन ए इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √3 ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है साइन है, साइन ए का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनस इज 2, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए मतलब जिस जिस का वैल्यू वहाँ पे है उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज √3 एंड हाइपोटेनस इज 2। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/tan A प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1+cos A। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/1/√3 प्लस साइन ए, द वैल्यू ऑफ साइन ए इज 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ 1+√3/2 ये होगा। दिस कैन बी रिटन एज √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2+√3, क्योंकि 2 जब एलसीएम लेंगे एक स्टेप खा गए हैं, देखो यहाँ पर 1/2 × 2/2+√3 दिस कैन बी रिटन, 2 2 इज कैंसिल आउट
नाउ रूट थ्री प्लस वन बाई टू प्लस रूट थ्री, हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़े हैं, यहाँ रेशनलाइज कर देंगे, टू माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री। नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर डेट इज़ फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर डेट इज़ थ्री। नाउ रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन, सो दिस कैन बी रिटन एज रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री इज कैंसिल आउट, टू इज आंसर, द वैल्यू ऑफ दिस इज टू, है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, ठीक। सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, सेम प्रोसेस, एक बात हमेशा याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इट मीन्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, मतलब कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, है ना, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल हमको बनाना होगा ए सी बी, बी ए सी एक ट्रायंगल है, नहीं नहीं ठीक था, ए बी यहाँ पे ठीक था, ठीक है। हमको क्या बोल रहा, ए बी ए बी ए बी ए बी का वैल्यू कितना है 29, बी सी का वैल्यू 21, तो हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी कैन बी रिटन एज रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 229 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, एंड 29 का स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं याद है तो 29 इंटू 29 डेट इज़ 18 एंड 18 एंड 8 डेट इज़ 26, 9 टू 18 कैरी 1, 2 टू 4 एंड 15 इट बिकम्स 147 एंड 8 4 1 माइनस 4 4 1 इट बिकम्स रूट ओवर 400 डेट इज़ 20, है ना, कितना आ गया 20, मतलब ए सी का वैल्यू कितना आ गया 20 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे कि 20 यूनिट्स आ गया, हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज़ 20 एंड हाइपोटेनस इज 29, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज़ बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है 21 एंड ये कितना है 29। नाउ वी विल यूज़ दिस वैल्यूज इन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू कितना है 21 बाई 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 बाई 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 441 बाई 841 प्लस 400 बाई 841, टेकिंग एलसीएम डेट इज 841 एंड दिस बिकम 441 प्लस 400 इट बिकम्स 841 डिवाइडेड बाय 841 द वैल्यू इज 1, है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने पे उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ठीक है। नाउ
we have second question, that is the value of this is 21 by 29 ka whole square minus 20 by 29 ka whole square. This can be written as 441 by 841 minus 400 by 841. This becomes 841 is LCM and 441 minus 400. On subtracting we get 41 by 841. This is your second answer. Okay, we have completed our trigonometry ratios hana of acute angle. I hope you like this video and revise this properly, because further you have to focus more difficult problems hana. Matlab aage chal ke aapko bahut hi tough questions aane wale hain, isliye इसको अच्छे से मगअप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए अगर अच्छे लगते हैं तब. ठीक है, थैंक यू.